फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका जो वाईफाई है इनेबल्ड नहीं हो रहा है, आपका जो वाईफाई डिजेबल दिखा रहा है और आपका जो ड्राइवर है वाईफाई का वो भी अपडेटेड है, फिर भी आपका जो वाईफाई है डिजेबल दिखा रहा है, इसको कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आते हैं हम सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद हम नेटवर्क एंड इंटरनेट, हम आते हैं चेंज एडाप्टर ऑप्शन। इसमें आपको ये जो दिखा रहा है वाईफाई, यहाँ पे आपको डिजेबल दिखाता है। ठीक है, आपको इसको अगर इनेबल भी करते हो तो ये इनेबल नहीं होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम ड्राइवर का है, तो कैसे हमें इसको सॉल्व करना है सीख लेते हैं। हम आएंगे सबसे पहले डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस में इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करने की जरूरत नहीं, इसको इधर कर लेते हैं। हम आएंगे वाईफाई का नेटवर्क, नेटवर्क अडेप्टर्स। इसमें जो आपका ये वाला है, आपका जो रियलटिक RL जो मॉडल नंबर है, इसको आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमें ड्राइवर में आना है, डिटेल्स में आना है। इसके बाद हम हार्डवेयर IDs पे जाएंगे। ये जो हार्डवेयर IDs दिखा रहा है आपको, देख रहे होंगे हार्डवेयर IDs, इसको फिर हमें यहाँ पे इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमें आना है ब्राउजर में। ब्राउजर अभी खुलने वाला है, क्रोम। ये हमारा क्रोम खुल चुका है। गेट स्टार्टेड, इसको हम इसको ख़त्म करते हैं किसी भी तरह। स्किप, चलो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, स्किप सेटअप कर लेते हैं। कंटिन्यू, चलो यार साइन इन हम बाद में कर लेंगे। चलिए, अब हमें जो हमने वहाँ से ID कॉपी किया था, यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। पेस्ट कर दिया हमने, इसके बाद एंटर दबाना है, तो एंटर दबा लेते हैं। एंटर दबा दिया हमने, इसके बाद जो पहला आ रहा है इसमें आपको ड्राइवर पैक मिलेगा। ठीक है, ड्राइवर पैक जो भी आ रहा है, देखिए जैसे ड्राइवर पैक आ रहा है, तो हमें इसमें क्लिक करना है। खोलने का वेट कर लेते हैं। आपका जो ड्राइवर पैक है उसमें आपका जो डिवाइस है उसके हिसाब से आपका जो है ये वाईफाई का ड्राइवर आ रहा है। ठीक है, इसको हमें सिंपली यहाँ से आपको विंडोज 10 करेंट, अगर चूज़ नहीं आ रहा है आपका जो भी विंडोज़ है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अगर मेरा विंडोज 10 है तो मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ 10। इसके बाद हमें आना है डाउनलोड जिप पे, इसको जिप को डाउनलोड कर लेते हैं। अभी हो रहा है डाउनलोड। हम ओपन कर लेते हैं, शो इन फोल्डर। इसको इसके बाद हमें यहाँ से रियलटेक को जो अपना ड्राइवर है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया, इसको हम मिनिमाइज क्लोज कर देते हैं। सॉरी, अब हमारा ये जो ड्राइवर है, ये जो ड्राइवर आ गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर लेते हैं कॉपी, उसके बाद हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो इसमें अब इसके बाद हमें आना है डिवाइस मैनेजर में। ये आज जो आपका दिख रहा है रियलटेक ये मॉडल वायरलेस का, इसको यहाँ से करना है राइट क्लिक, अपडेट ड्राइवर, ब्राउज माय कंप्यूटर, लेट मी पिक। आपको आना हैव डिस्क में, ब्राउज हमने रखा है डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे आते हैं। ये हमारा ड्राइवर ये है, इसको हमें यहाँ से ओके करना है, फिर यहाँ से हमें ओके करना है। अभी जो आपको ये डिवाइस दिखा रहा है इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करके इसको आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको जो सिस्टम है उसको एक बार रिबूट कर देना है। रिबूट करने नहीं करने से भी काम चल जाएगा। अगर आपका फिर से वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो उसको आपको जो लैपटॉप आपका है उसको फिर से रिबूट कर देना है, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा और वाईफाई इजीली आपको वाईफाई दिखाने लगेगा। ठीक है,
चलिए फिर वीडियो देखिए पूरा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, काम अगर वीडियो देखने से आपका जो वाईफाई है काम करने लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।